आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिन का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 18th ऑफ सितंबर तक के छत्तीसगढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उन सब का हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 19 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सब का हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में करते हैं, पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया है उस आधार पे हम कुछ यहाँ क्वेश्चंस भी एनालिसिस करते हैं ताकि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से होता रहे। तो मेरा सजेशन सबसे पहले आप लोगों के लिए ये है कि अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या तो प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां से आप पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद सही तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। इसके अलावा आपका सितंबर का मंथ कंप्लीट हो चुका है तो एक एमसीक्यूज जो सीरीज हम पिछले मंथ से स्टार्ट किए हैं उसका वीडियो भी आप लोगों को एक से दो दिन में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो एक सजेशन और है मेरा आप लोगों से। आप लोगों के पास में अब वक्त बहुत कम है, अक्टूबर का मंथ आ चुका है, सब सही रहा तो नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तय समय पर ही आ जाएगा जैसा अभी तक गवर्नमेंट का रिस्पांस देखने को मिला है। तो वक्त कम उन लोगों के लिए है जो सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, जो सीरियसली इस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वक्त कम है जो लोग पोस्ट लेना चाहते हैं। और उन लोगों के पास में वक्त ही वक्त है जो लाइटली तैयारी कर रहे हैं, मस्ती मजाक में कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास में बहुत वक्त है। तो आपके माइंडसेट के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास में समय कम है या ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी की जो रफ्तार है उसे बढ़ा सकते हैं या तो जैसा है वैसा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो आप अपनी रफ्तार को बढ़ा दें और थोड़ा सा और सीरियसनेस होकर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिंक, खासकर टेलीग्राम, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको YouTube पर वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो ये आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है, दोस्तों तक इसे शेयर कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा अच्छा लग जाए तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उस आधार पे क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाला एथेनॉल खरीदने के लिए देश की किस बड़ी तेल कंपनी के साथ में समझौता किया जाना है। समझौता अभी हुआ नहीं है, बस इस पर सहमति बनी है। तो कौन सी ऐसी तेल कंपनी है जो छत्तीसगढ़ का एथेनॉल खरीदने के लिए तैयार हुई है? तो पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कंपनी या फिर ऑल ऑफ दी एवर। जवाब इसका आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह के अनुसार किस जिले के वनवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ट्राई फूड पार्क की स्थापना की जाएगी? कौन सा जिला है जरूर बताइएगा, सरगुजा, कोरिया, कोंडागांव, जसपुर। सारे टॉपिक्स हमने ब्रीफ में और बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है पिछले वीडियो में, तो सबसे पहले तो उसे जरूर देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में कब से कब तक कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया? 23 सितंबर से 30 सितंबर, 20 सितंबर से 25 सितंबर, 22 सितंबर से 30 सितंबर या फिर 15 सितंबर से 21 सितंबर। कौन सा सही जवाब होगा नीचे जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है गौरेला पेंड्रा मारवाही, आपको याद होगा 10 फरवरी 2020 को यह जिला अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ में 27 थे जिले और इस जिले के आने के बाद जो जिलों की संख्या है वो हो गई 28। और यह जिला अस्तित्व में कब आया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जिला आपका अस्तित्व में आया 10 फरवरी 2020 को। उसके बाद एक डेट और याद रखिएगा, 18 अगस्त 2020 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ मारवाही को नगर पंचायत बनाया गया है। ठीक, मारवाही आपका क्या हो गया? नगर पंचायत हो गया। और अब हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है गौरेला और पेंड्रा को नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा। ये सिर्फ अभी अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन मारवाही को नगर पंचायत बना दिया गया है। कब? 18 अगस्त 2020
20 को, और यहाँ पर पेंड्रा और गौरेला को नगर पंचायत से अब नगर पालिका बनाया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की स्थिति किस प्रकार से है, एक बार आप यहाँ पर एक नज़र डाल सकते हो। तो छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 28 है। छत्तीसगढ़ में कुल जो अर्बन बॉडीज़ हैं उसकी संख्या कितनी है, 166। छत्तीसगढ़ में कुल जो नगर निगम है उसकी संख्या है 14। 13 था, 14वां कौन सा है, रिसाली बना था। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है, 43। और अगर ये दो बन जाते हैं तो कितने हो जाएंगे, 45। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुल नगर पंचायत की संख्या कितनी है, 109। और एक बना है आपका मरवाही, इस हिसाब से जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में नगर पंचायत की संख्या है वो है 110। और अगर गौरेला और पेंड्रा नगर पालिका परिषद बन जाता है तो यहाँ से नगर पंचायत की दो संख्या कम हो जाएगी, और जब बन जाता है तब हम इस डेटा को अपडेट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको डेटा बताया उस डेटा को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य, यानी कि आदिवासी बहुल राज्य। और इस राज्य में कुपोषण और एनीमिया की समस्या बहुत अधिक है, इस बात को हमने पढ़ा भी है और इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं। हमारे देश के अग्रणी राज्यों में अगर देखें कुपोषण और एनीमिया के मामलों में, तो उसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम आता है, झारखंड का नाम आता है, बिहार का नाम आता है, यूपी का नाम आता है, छत्तीसगढ़ का भी नाम आता है, उड़ीसा का भी नाम आता है, तेलंगाना का भी नाम आता है। ये कुछ ऐसे अग्रणी राज्य हैं जहाँ पर बच्चों में कुपोषण की समस्या यानी कि माल न्यूट्रिशन की समस्या देखने को मिलती है, और महिलाओं में जो है वो एनीमिया की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं कुपोषण की समस्या यानी कि माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए और महिलाओं में एनीमिया की समस्या को भी ख़त्म करने के लिए। इसी आधार पर मार्च 2020 तक का ये डेटा है, और इस डेटा के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषित बच्चों की संख्या में जो है वो 13.79% की कमी आई है। वर्ष 2019 में किए गए वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो है 9,70,000 बच्चे कुपोषित थे, लेकिन मार्च 2020 तक 67,889 बच्चे जो हैं वो कुपोषण से मुक्त हो गए। यानी कि जो ये डेटा है इसमें से आप 13.79% कम कर दो कुपोषण की। तो अभी याद रखना इस डेटा को कि मार्च 2020 तक जो कुपोषित बच्चों की संख्या में है कितना गिरावट आया है, कितने परसेंट का गिरावट आया है, तो 13.79% की गिरावट आई है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 जो कि रिलीज हुआ था आपका कब, 2019 में, इसके अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण की समस्या देखने को मिला है, और ये जो परसेंटेज है 37.7% है। यानी कहने का मतलब ये है कि राज्य में ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से लेकर 5 वर्ष तक का है उनमें कुपोषण की समस्या देखने को मिली है, जो कि कुल बच्चों का 37.7% है। और वहीं अगर हम 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में देखें एनीमिया की समस्या, तो यह प्रतिशत जो है वो 47% तक आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कुपोषण क्या है या फिर एनीमिया क्या है। तो बच्चों में खासकर पोषक तत्वों की कमी की वजह से कुपोषण जैसी बीमारी जो है वो पैदा होती है, और महिलाओं में भी पोषक तत्वों की कमी की वजह से एनीमिया जैसी समस्या देखने को मिलता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स के अनुसार कुपोषण के मुख्य 3 लक्षण होते हैं, नाटापन, निर्बलता या फिर कम वजन, ये इसके 3 प्रमुख लक्षण हैं। अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो इन 3 प्रमुख लक्षणों का इन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वैल्यू एडिशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम पूरे देश में कुपोषण की स्थिति को देखें तो वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूरे देश में जो कुपोषण की स्थिति है वो है 40%, यानी कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक के उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनमें से 40% बच्चे जो हैं वो कुपोषण से ग्रसित हैं। अगर हम वहीं एनीमिया की बात करें महिलाओं में जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष तक है, उन महिलाओं में 51% महिलाएं जो हैं वो एनीमिया से ग्रसित हैं। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जब अभी भी वर्तमान समय में भी हमारे देश में इतने सारे बच्चे जो हैं कुपोषण से ग्रसित हैं या फिर इतनी सारी महिलाएं जो हैं एनीमिया से ग्रसित हैं, तो क्या इनके लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है? तो बिल्कुल उठा रही है, और 90s के दौर से लेकर अब तक देखोगे तो बहुत अधिक मात्रा में जो है कुपोषण से ग्रसित बच्चों को बाहर निकाला गया है या फिर एनीमिया से ग्रसित महिलाओं को भी बाहर निकाला गया है। सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो बहुत सारे उपाय किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 लाया गया, मिड डे मील कार्यक्रम जो स्कूलों में आप देखते हो, आंगनवाड़ी केंद्र में देखते हो, इसको 1995 में लाया गया, भारतीय पोषण कृषि कोष, इसकी स्थापना जो है वर्ष 2019 में ही किया गया था। इस कोष की मदद से जो है इन सारे प्रोग्राम्स को चलाने के लिए इस कोर्स की जो है वो स्थापना किया गया था। और इसके अलावा पोषण अभियान 2017 को शुरू किया गया, राजस्थान के झुंझुनू इलाके से 2017 में शुरू किया गया था। और आपको पता है कि इसी साल से प्रत्येक वर्ष जो है वर्ष 2018 से पोषण माह मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष जो है सितंबर का महीना जो है वो पोषण माह के रूप में मनाया गया। ये तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कि कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, सबसे पहला आ जाता है सुपोषण अभियान। एक साल होने वाला है, 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था पूरे प्रदेश में। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, दंतेवाड़ा से हुई थी। तो दंतेवाड़ा में जब यह प्रोग्राम सफल हुआ तो इसके बाद इसको पूरे प्रदेश में लागू किया गया। इसके अलावा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, महतारी जत्तन योजना महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा समेकित बाल विकास सेवा योजना भी प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि बच्चों में कुपोषण की समस्या और महिलाओं में एनीमिया की समस्या को खत्म किया जा सके। ये टॉपिक ब्रीफ में एनालिसिस था, ताकि यहाँ पर आपको क्लियरली डेटा मिल सके और आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकें, ताकि आपका मुख्य परीक्षा में भी ये डेटा काम आ सके। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ग्रामोद्योग में उत्पाद अब राष्ट्रीय स्तर पर होंगे उपलब्ध। छत्तीसगढ़ का वनांचल एरिया जहाँ पर ट्राइबल्स की तरफ से बहुत सारे हैंडमेड जो है वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसको राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ट्राइफेड के साथ में एक समझौता किया गया है। किस प्रकार से किया गया है यहाँ पर समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ का ग्रामो उद्योग विभाग, जिसके अंतर्गत में दो एजेंसियाँ हैं, जिस छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, इनके साथ में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड के साथ में एक समझौता किया गया है। इसके अनुसार पूरे देश में ट्राइबल्स के जितने भी हस्तशिल्प यानी कि हैंडमेड जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर ट्राइबल्स की तरफ से जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसको नेशनल लेवल पे एक बेहतर मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए बड़े बड़े शहरों में ट्राइबल शोरूम की स्थापना की गई है। तो उस शोरूम तक छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए ग्रामोद्योग विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में एक MOU साइन किया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अब जो है छत्तीसगढ़ के ट्राइबल प्रोडक्ट जो हो गए या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रोडक्ट हो गए, उसको राष्ट्रीय बाजार मिल सकेगा। इस आधार पर आप कह सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के में रहने वाले लोग जो हैं वो और सशक्त हो पाएंगे। क्लियर है? चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ट्राइफेड के बारे में भी जान लो। हालांकि ट्राइफेड के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। ट्राइफेड का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में कार्य करती है। और इसे स्थापित किया गया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के तहत, और ये जनजातियों के लिए खासकर काम करते हैं। और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सही तरीके से उनकी कीमत दिलवाना, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ट्राइफेड। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर क्लियरली जानकारी होना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, छत्तीसगढ़ होगा देश का दूसरा सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता राज्य। हमने बार बार पढ़ा है छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो एक कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ मुख्य रूप से धान का उत्पादन किया जाता है। और धान का उत्पादन किया जाता है तो पिछले कुछ समय से आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टकराव भी देखने को मिला धान खरीदी को लेकर। दरअसल छत्तीसगढ़ जो है अब 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान खरीदती है, लेकिन खरीफ वर्ष 2019 और 20 में देखने को मिला कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इस समर्थन मूल्य को लेकर बहस भी हुआ, टकराव भी हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, आप उसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान खरीदें, तभी हम आपके धान को सेंट्रल पूल में खरीदेंगे। तो राज्य सरकार ने 1800 और 1815 रुपए पर ही धान की खरीदी की, और शेष 685 रुपए एक अलग योजना के तहत में किसानों को दी जा रही है, और उस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये तो बात हो गई थोड़ी सी बेसिक। अब यहाँ पर न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है
कि इस खरीफ वर्ष यानी कि 2020 और 21 में सेंट्रल पूल में जो धान की खरीदी की जाएगी उसमें से छत्तीसगढ़ की जो धान होगा वो होगा आपका 60 लाख मेट्रिक टन। अभी तक अगर पिछले वर्ष के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन का जो लक्ष्य है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रखा जाता है 85 लाख मीट्रिक टन का। 2018-19 में भी इतना ही था और 19-20 में भी इतना ही है और इसे खरीदा जा रहा है आप 2500 रुपये के समर्थन मूल्य से। हालांकि इसमें से 685 रुपये अलग योजना के तहत में दिया जा रहा है लेकिन खरीदा जा रहा है 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से ही। तो अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 60 लाख मीट्रिक टन इस खरीफ वर्ष में खरीदने जा रही है और इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 30 से 35 लाख मीट्रिक टन जो है वो छत्तीसगढ़ का धान खरीदती आई है और इस साल भी लगभग इतना ही खरीदी है। तो यहाँ पर फायदा ये होगा, एक तो छत्तीसगढ़ जो है इस साल ज़्यादा लक्ष्य निर्धारित करेगी धान खरीदने के लिए किसान से और किसानों में भी एक प्रोत्साहन जागेगा ज़्यादा से ज़्यादा धान उत्पादन करने का। और इस साल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट देखें, हमने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का तो टारगेट अभी आया नहीं है इस खरीफ वर्ष का, पिछले खरीफ वर्ष का 85 लाख मीट्रिक टन था। सेंट्रल गवर्नमेंट का इस साल का टारगेट है धान खरीदने का 495.37 लाख मीट्रिक टन, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 2019 और 20 की बात करें तो यहाँ पर 420.22 लाख मीट्रिक टन धान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खरीदा गया था और इस साल जो है पंजाब से सबसे ज़्यादा धान खरीदा जाएगा 113 लाख मीट्रिक टन, उसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आ जाएगा 60 लाख मीट्रिक टन और तेलंगाना जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगा 50 लाख मीट्रिक टन के साथ में। तो इस तरह से खरीफ वर्ष 2020 और 21 के लिए सेंट्रल पूल में जो धान की खरीदी की जाएगी वो छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की जाएगी और ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण का आधार अब बनेगा राशन कार्ड। अगर आपने पिछले साल पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो नए सिरे से शुरू की गई थी और उसके लिए एक अध्यादेश भी लाया गया था। उस अध्यादेश के तहत में इस यानी कि शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो 12% से बढ़ाकर कर दिया गया था 13%। इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है वो 13% से बढ़ाकर कर दिया गया था 27%, यानी कि 14% की वृद्धि की गई थी। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर क्लास के लिए यानी कि EWC के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सामान्य वर्ग के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए 10% का आरक्षण का व्यवस्था किया था, तो 10% इनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और इस तरह से इस अध्यादेश के तहत में छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो 82% तक बढ़ा दिया गया था, यानी कि छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो 82% तक बढ़ गया था। कितने परसेंट से? 57% से बढ़कर ये 82% तक पहुंच गया था। उसके बाद इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था इस अध्यादेश पर। तो उसके बाद यानी कि अभी भी आप कह सकते हो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो 57% है। अब यहाँ पर न्यूज़ इसलिए है, और हाई कोर्ट ने जब स्टे लगाया था तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि सरकार के पास में प्रॉपर आंकड़े नहीं हैं। आंकड़े के किस बात के नहीं है? आंकड़े इस बात के नहीं है कि सरकार के पास में ये आंकड़ा नहीं है कि आपके स्टेट में अदर बैकवर्ड क्लास या फिर इकोनॉमिकली वीकर क्लास के जो लोग हैं वो कितने परसेंट है, कितना परिवार है, आप किस आधार पर आरक्षण दे रहे हो। तो इस आधार पर जो है हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कमीशन का गठन किया। ये कमीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कमीशन का नाम था छबीलाल पटेल आयोग। इस कमीशन का काम था ये पता लगाना कि छत्तीसगढ़ में अदर बैकवर्ड क्लास के कितने परसेंट लोग रहते हैं और इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग परिवारों की संख्या कितनी है, ये पता लगाने का काम दिया गया था छबीलाल पटेल आयोग का। और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस आयोग को जो डेटा दिया जाएगा वो राशन कार्ड के आधार पर दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है अदर बैकवर्ड क्लास के कितने परसेंट लोग रहते हैं, इसके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोग हैं वो कितने परसेंट के लोग रहते हैं। उस आधार पर आरक्षण का जो है अब छत्तीसगढ़ सरकार नया प्रारूप बनाएगी। वर्तमान समय में अगर आप देखोगे
तो छत्तीसगढ़ में एसटी को 32% रिजर्वेशन मिला हुआ है, एससी को 12% और अदर बैकवर्ड क्लास को 14%। वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, मैंने 13% बताया था, लेकिन यहाँ पर 14% है और 13% का जो है वो इंक्रीमेंट किया गया है। तो इस तरह से किया गया था, तो इस तरह से 27% का इनको आरक्षण देने की व्यवस्था किया जाना है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बारनावापारा के जंगल में छोड़े जाएंगे काला हिरन। अब यहाँ पर न्यूज़ इसलिए है, ऐसा नहीं है कि बारनावापारा के जंगल में काले हिरन नहीं है, है अभी लगभग 70+ काले हिरन जो हैं बारनावापारा के जंगल में है, लेकिन उनको एक बाड़ी बनाकर रखा जा रहा है, इन्हें खुला जंगल में नहीं छोड़ा गया है। लेकिन अब जो है प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि इनको खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग को जो है छत्तीसगढ़ वन विभाग को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से भी परमिशन मिल गया है और इन्हें खुले जंगल में छोड़ने के लिए 25 हेक्टेयर का जो वन भूमि है बारनावापारा का, उसे जो है वो संरक्षित या फिर सुरक्षित किया गया है। आपको पता होगा कि पिछले ही 2 साल पहले 50 काले हिरन को जो है बारनावापारा के जंगल में लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? दिल्ली से लाया गया था। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि हमारे देश में सर्वाधिक काला हिरन कौन से राज्य में पाया जाता है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और काले हिरन को जब दिल्ली से लाया गया था 2 साल पहले, तो 5 हेक्टेयर भूमि में जो है बारनावापारा में ही एक बाड़ी बनाकर वहां पर रखा गया था और वर्तमान में ये 50 की संख्या जो है वो 74 पहुँच गई है, यानी कि 70+ हो चुका है और अब जो है इन्हें खुले जंगल में छोड़े जाने की तैयारी की जा रही है और इसी महीने इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर बारनावापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी जान लीजिए, बलादौ बाजार जिले में स्थित है। टोटल एरिया है 245 वर्ग किलोमीटर। इनमें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसे 1972 में वन्य जीव अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, किस काल में जलप्रपातों की खोज? बस्तर एक खोज नाम से भूवैज्ञानिकों द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे धरोहर हो, ऐसे क्षेत्रों की खोज की जा रही है और इसी के तहत कोंडागांव जिले के केसकाल ब्लॉक में भी खोज की जा रही है और केसकाल ब्लॉक में अब तक 9 जलप्रपातों की खोज की जा चुकी है और इसी 9 में से एक जलप्रपात की खोज हाल ही में की गई है और इस जलप्रपात के साथ में एक गुफा की खोज भी की गई है और इन दोनों जगहों को ऐसा माना जाता है कि उत्तर बस्तर के महापाषाणकालीन परंपरा के अनुसार आदिम मानव काल के चित्रकला को भी इस क्षेत्र में देखने को मिला है, खासकर इस गुफा में। तो याद रखिएगा, केसकाल ब्लॉक में बस्तर एक खोज अभियान के तहत अब तक 9 जलप्रपातों की खोज की जा चुकी है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भिलाई में एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन खदान। ये कोई नया खदान नहीं है, बहुत पुराना खदान है। इस खदान को 1950 के दशक में शुरू किया गया था, लेकिन एक बार फिर से न्यूज़ में है क्योंकि 2005 के आसपास इस खदान को बंद कर दिया गया था और अब फिर से इस खदान को शुरू किया जाएगा। भिलाई के इस लाइमस्टोन खदान का नाम जो है वो है नंदिनी माइंस, ठीक है, और इसे एशिया का सबसे बड़ा लाइमस्टोन माइन कहा जाता है। हालांकि बंद हो गया था जैसे मैंने बताया 15 साल पहले, लेकिन इसे एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और यह लाइमस्टोन खदान जो है बीएसपी को लाइमस्टोन सप्लाई करेगा, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट को जो है लाइमस्टोन सप्लाई करेगा। वर्तमान समय में जो है भिलाई स्टील प्लांट में जो लाइमस्टोन है उसकी बढ़ती डिमांड के आधार पर इसे दुबई से इंपोर्ट करना पड़ रहा है और पूरा भारत जो है आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में भिलाई स्टील प्लांट के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है क्योंकि ये भिलाई के नंदिनी माइन से फिर से एक बार लाइमस्टोन का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पर नंदिनी माइंस के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। यह समझ लीजिए कि नंदिनी माइंस जो है इसका टोटल एरिया है 526.24 हेक्टेयर, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है और एशिया की सबसे बड़ी है और विश्व की सबसे बड़ी लाइमस्टोन माइंस जो है वो यूक्रेन में स्थित है। लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन का जो इस्तेमाल है आयरन ओर में ब्लास्ट फर्नेस के लिए किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस ओ
ऑप्शन होता है जहाँ पर आयरन ओर्स से अशुद्धियों को यानी कि वेस्ट को बाहर किया जाता है एक ब्लास्ट के माध्यम से, और लाइमस्टोन का जो मुख्य कार्य होता है वो आयरन ओर से अशुद्धियों को दूर करना होता है। इसके अलावा अगर हम नंदिनी माइंस की बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में किया गया था, और अभी भी इस माइंस के टोटल एरिया में अगर आप देखोगे तो 100 मिलियन टन लाइमस्टोन अभी तक डिपॉजिट है, और टोटल जो इस लाइमस्टोन माइन से 50 मिलियन टन का जो लाइमस्टोन है उसे डिपॉजिट किया जा चुका है, और इसमें इतना डिपॉजिट है कि ये बीएसपी को यानी कि भिलाई स्टील प्लांट को अगले 50 वर्षों तक लाइमस्टोन उपलब्ध करवा सकता है। तो नंदिनी माइंस के इस लाइमस्टोन माइंस के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत काम आ सकता है मुख्य परीक्षा में भी और एक दिवसीय परीक्षा में भी। नेक्स्ट का टॉपिक है मकरभंजा। आप प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा, इसे मैंने फरवरी के महीने में भी पढ़ाया था क्योंकि उस वक्त भी न्यूज़ में था, उस वक्त ही फरवरी में ही इस जलप्रपात को खोजा गया था, और यह जलप्रपात स्थित है आपका जसपुर जिले में, और इसकी जो ऊंचाई है 450 फीट है, और यह जो है महान नदी पर स्थित है। लेकिन अभी तक यह ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं हुआ है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा, क्योंकि अभी यहां पर आम लोगों का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, और प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि यहां तक जो पर्यटक हैं वो भी पहुंच सके, उसके बाद ऑफिशियल डिक्लेयर किया जाएगा कि अब जसपुर का जो महान नदी पर स्थित है मकरभंजा जलप्रपात वो प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो अभी वर्तमान समय में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार और ऑफिशियल डेटा के अनुसार तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि आपका जगदलपुर में स्थित है यही सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी हाइट 300 फीट है। लेकिन मकरभंजा के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और क्लियर रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मशरूम उत्पादक श्री सौरभ जंघेल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सौरभ जंघेल जो है राजनांदगांव जिले के रहने वाले हैं, ग्राम है इनका जंगलपुर, और ये एक युवा मशरूम के उत्पादक हैं। एस्टर मशरूम का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, और इन्हें जो सम्मान है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है इसके द्वारा आयोजित एक वर्चुअल मीटिंग में दिया गया है। तो नेशनल लेवल का अवार्ड है, और CGPSC का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जब भी अगर छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया है तो उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, सौरभ जंघेल के बारे में, कहाँ के रहने वाले हैं, किस लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, किनके द्वारा राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, यहाँ से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है युवोदय कार्यक्रम के बारे में है। बस्तर में चलाया जाने वाला युवाओं की तरफ से एक कार्यक्रम है, आप इसे कह सकते हो इस कार्यक्रम को एक NGO के माध्यम से चलाया जा रहा है जो कि बस्तर जिले के युवाओं द्वारा इसका संचालन किया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है बस्तर जिले के प्रत्येक गांव में आजीविका यानी कि रहने योग्य उनके लिए सुविधा करना, पर्यावरण के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण और कोरोना की रोकथाम में युवाओं शक्ति की सहायता प्राप्त करना, लोगों को अपने साथ में जोड़ना और इनके लिए काम करना इस युवोदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और यह युवोदय कार्यक्रम बस्तर में शुरू किया गया है, और यह न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हाल ही में इसने यूनिसेफ के साथ में जो है वो MOU साइन किया है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के साथ में MOU साइन किया है, और अब यह यूनिसेफ जो है इस कार्यक्रम में यानी कि युवोदय कार्यक्रम में अपनी सहभागिता भी देगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लियर होना है और ध्यान में रखना है, इस कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ ने समझौता किया है बस्तर जिले के साथ में, क्लियर है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रोबोट भारती, एक रोबोट तैयार किया गया किसके तरफ से, स्पार VY रिसर्च इनिशिएटिव के युवा वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है आदित्य, और VY हॉस्पिटल रायपुर द्वारा एक रोबोट तैयार किया गया है। इस रोबोट का नाम रखा गया है भारती, और यह रोबोट जो है हॉस्पिटल में नर्स की जगह काम कर रहा है, लोगों तक दवाइयां पहुंचा रहा है, लोगों तक खाना पहुंचा रहा है, और इस पैंडेमिक के समय में लोगों को सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है।
तो रोबोट भारती के बारे में बस दो तीन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, किसके तरफ से डेवलप किया गया है और किस उद्देश्य के साथ में किया गया है, बस इतनी बात को आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, केबीसी के हॉट सीट पर बैठने जा रही हैं छत्तीसगढ़ की फुलवासन। फुलवासन जो है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जानी जाती हैं, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और अब जो है केबीसी के इस 13वें सीजन के स्पेशल एपिसोड में ये हॉट सीट पर बैठने वाली हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजनांदगांव जिले की रहने वाली हैं, इनके गांव का नाम है सुकुल देहान, ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित की जा चुकी हैं और पिछले दो दशक यानी कि लगभग 20 सालों से छत्तीसगढ़ के गरीब महिलाओं की आर्थिक उत्थान के लिए यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए माँ बलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की मदद से जो है छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। तो यह स्व सहायता समूह के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। इनके स्व सहायता समूह का नाम है माँ बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह और इस समूह के आज छत्तीसगढ़ में लगभग 13,444 शाखाएं हैं, यानी कि आप कह सकते हो छत्तीसगढ़ के हर एक गांव तक इस शाखा का विस्तार हो चुका है, हर एक क्षेत्र तक इस शाखा का विस्तार हो चुका है और इससे लगभग छत्तीसगढ़ के 2,00,000 से ऊपर महिलाएँ जो हैं इनकी वर्तमान समय में सदस्य हैं। तो फुलवासन के बारे में भी याद रखिएगा, केबीसी के 13वें सीजन में स्पेशल एपिसोड में जाने वाली है इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा और इनके बारे में भी जितने पॉइंट्स मैंने बताए उसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो में जो लास्ट का टॉपिक है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कन्हैया अग्रवाल जी का निधन हो गया है। ये 101 वर्ष के थे और ऐसा कहा जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के आखिरी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इनके बारे में याद रखिएगा, राजनांदगांव के सतवर्षीय का मतलब है कि 100 वर्ष से इनकी अधिक उम्र थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कन्हैया लाल अग्रवाल का निधन हो गया, राजनांदगांव जिले के रहने वाले थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। राजनांदगांव में जन आंदोलन के पुरोधा माने जाते थे और प्रगतिशील लेखक संघ और भारतीय जन नाट्य संघ और अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन से अंतिम समय तक ये जुड़े रहे थे और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ऐसा माना जाता है। तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा और ये था हमारा पूरा आज का एनालिसिस वीडियो। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के ये जो स्लाइड्स हैं आपको PDF के रूप में अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आज तक मैं कभी PDF नहीं देता था लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए और आप लोगों के डिमांड के आधार पे अब मैं PDF देने जा रहा हूँ। तो इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग खासकर अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए क्योंकि समय बहुत कम है। स्टार्टिंग में मैंने बताया उन लोगों के लिए समय बहुत कम है जो सच में एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, जो पद पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत कम है और उन लोगों के लिए समय ही समय है और एग्ज़ाम के आखिरी दिनों तक भी उन लोगों के पास में समय होता है जो एग्ज़ाम को लाइटली लेते हैं और या हंसते हुए मजाक में पेपर को निकाल देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए पास में समय है। लेकिन जो सच में अपने लिए कुछ करना चाहते हो, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपके पास समय बहुत कम है और बहुत सीमित मात्रा में समय है। तो जोर शोर से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और हमसे जितना बन पाता है हम आपकी मदद करने के लिए या फिर आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।